मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका गोविंदन क्लासेस में। तो जैसा कि हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था, हमने डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन तक पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है एज अवकलजों के अनुप्रयोग। तो फिर इसका मार्क्स वेटेज है वो 6 मार्क्स है। 6 मार्क्स का आपको एक ही सवाल पूछेगा जो सेक्शन डी में आता है आपके। तो हमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और 6 मार्क्स क्वेश्चन की टाइप होगी अगर मैं एनालिसिस करके बताऊं तो एक या तो पूछेगा रेट का, रेट चेंज का, और या दूसरा पूछेगा आपको मैक्सिमम मिनिमम। क्वेश्चन हम एक एक सॉल्व करके उनका एग्जांपल देख लेंगे, उनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो देख लेंगे, समझ लेंगे उसको। तो दोस्तों जो टाइप 1 का क्वेश्चन पूछता है वो आपको पूछेगा वॉल्यूम चेंज होने की रेट पूछेगा, कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, या वॉल्यूम का पूछेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछेगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछ लेगा। इस टाइप से वो क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोई एक रेट आपको गिवन दे देगा कि भाई इसकी जो हाइट है BH/dt, इसका मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी हाइट लेट सपोज कोई ए रेट से चेंज हो रही है, मीन्स यूनिट टाइम के अंदर। कि अगर मेरे पास कोई ऐसे शेप है ये है मेरी कॉनिकल शेप, जिसकी टॉप की रेडियस में आर एज्यूम कर रहा हूं और इसकी हाइट मैंने एच एज्यूम की है और इसकी स्लॉट हाइट एल। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म करेगा कि यहां से अगर मैं कॉर्न में ओपन करता हूं तो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी रेट मुझे या तो दे देगा या यही रेट पूछ लेगा, और पूछ लेगा कि अगर यहां से लिक्विड इस रेट से वी रेट से फ्लो हो रहा है तो इसकी रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है बताओ, आर के चेंज होने का पूछ लेगा, स्लंट हाइट के चेंज होने की रेट पूछ लेगा। इसी टाइप से क्वेश्चन फोन करेगा और वो क्वेश्चन एकदम इसी वे में हम अभी सीख लेते हैं और वैसे ही क्वेश्चन हमको बोर्ड में सोल्व करके आना है और 6 मार्क्स पूरे पूरे लेके आना है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है वो इस टाइप से पूछा है कि अगर मेरे पास कॉनिकल शेप का कोई सिलेंडर हो और उसके अंदर लिक्विड भरा हो मेरा, और मैं यहाँ नीचे यहाँ पे अगर मैं होल कर देता हूँ और मैं वहां से मेरा 4 cm³/s की रेट से लिक्विड फ्लो हो रहा है, और मुझे क्या गिवन है कि जब मेरी स्लांट हाइट 4 cm हो तब मुझे बताना है कि इस स्लांट हाइट की रेट चेंज, यानी मुझे क्या निकालना है BL/dt। ये मुझे क्या करना है फाइंड करना है BV/dt, मुझे क्या गिवन है 4 cm। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि नेगेटिव कब लेना पॉजिटिव कब लेना है। अब मेरी स्लांट हाइट कौन के कौन से रिलेटेड है, ना कि इस लिक्विड से रिलेटेड, तो कौन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है मेरा कम हो रहा है, तो मैं क्या लूंगा नेगेटिव के अंदर, ये लिक्विड मेरा कम हो रहा है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया नेगेटिव साइन के साथ। तो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो कॉर्न के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ये होता है हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला। और चीज हमें यहाँ पे क्या कहना थी कि एंगल दिया हुआ मुझे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये हाइट निकाल सकता हूँ उस टाइम की, ये रेडियस भी निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ, ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री, और ये मुझे गिवन है 4 cm, और ये होगा उस टाइम का मेरा एच, और ये होगा रेडियस। तो इस स्लैंट हाइट से मुझे एच की और आर की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर पुट करनी है, और वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज से मैं स्लैंट हाइट की रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लूंगा। तो यहां से मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर मेरा साइन 60 हो यहाँ पे तो क्या होता है, साइन 60 मेरा आर अपॉन
4 सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा। तो इससे मुझे आर मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर 4 into sin 60, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है 4 into √3/2, ये मुझे मिल गई आर की वैल्यू। और मुझे निकालनी है एच की वैल्यू, तो एच क्या हो जाएगा मेरा cos 60 बराबर एच अपॉन 4, तो एच यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 4 into cos 60, cos 60 कितना होता भाई 4 into 1/2 यानी 2, तो यहाँ से मुझे एच मिल गया, आर मिल गया, और यहाँ से अभी मुझे क्या निकाल लेना वॉल्यूम किसकी फॉर्मेट में, स्लैंट हाइट की फॉर्मेट। तो उसको मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है, इसको एक बार एल से रिप्लेस कर देता है, क्योंकि ये तो हमें उस टाइम पे पूछा ना जब हमारी 4 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट होती है। ओके, यहाँ पे भी करेक्ट कर दूंगा। तो अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 पाई, आर की जगह क्या लिखना है मुझे n into √3/2, n into √3/2 इसका पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, एच की जगह मुझे क्या लिखना है l/2, तो इससे मुझे वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ये मुझे मिल गया वॉल्यूम का। अब मुझे वॉल्यूम की रेट गिवन है और पूछ रहा है स्लैंट हाइट का, तो मैं क्या कर दूंगा वॉल्यूम को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल के, तो ये चीज मैं लिखनी है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, तो ये जाएगा डीवी बाय तो यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल के ये आता है। अब मुझे क्या यहाँ पे वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज दिए टाइम के रिस्पेक्ट में और इसकी रेट ऑफ चेंज दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो इस साइड मुझे क्या मिल जाएगा टीवी बाय एटी और पाई कॉन्स्टेंट या पाई बाई एट को कॉन्स्टेंट आगे ले लिया मैंने, और ये है एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट वाला, तो क्या होगा पावर मेरी आगे आ गई, पावर एक यूनिट कम हो जाएगी, और अगेन स्लैंट हाइट मेरा किसका फंक्शन होगा टाइम का, तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डीएल बाय डीटी। तो अब मुझे ये चीज फाइंड करनी है, तो इसको सब्जेक्ट बना के सॉल्व करते हैं। जैसे हम डीएल बाय डीटी को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो डीएल बाय डीटी मेरे क्या आ जाएगा इक्वल इक्वल टू हो जाएगा डीवी बाई डीटी इंटू 8/3 into 1/L². अब एल मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मुझे निकालना है, डीवी बाई डीटी मुझे गिवन है -4 cm³/s और एट और थ्री कॉन्स्टेंट है पाई कॉन्स्टेंट है, तो डीएल बाई डी टी की वैल्यू मुझे आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका -4 into 8/3 5 into 1/4² तो ये मेरी आती है सेंटीमीटर पर सेकेंड में स्लैंट हाइट चेंज होने की। कितना सॉल्यूशन करते हैं आपको मिल जाएंगे 6 marks। हो
ओके दोस्तों, जिसमें टाइप टू का क्वेश्चन फॉर्म होता है वो होता है मेरा मैक्सिमा एंड मिनिमा का, यानी महत्तम और लघुतम वैल्यू मुझे पूछ लेगा। तो पहले मैं इसमें कुछ बेसिक चीजें कवर करना चाहूंगा। बेसिक्स, मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो फंक्शन का मुझे क्या मिलेगा, ग्राफ। मैक्सिमा और मिनिमा को ग्राफ से समझना सबसे आसान होता है, तो मैं ये ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह है मेरा एक फंक्शन, इसकी मुझे इस पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन करनी। तो इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं किसी पॉइंट की यहाँ पे बात करता हूँ, ये मेरा पॉइंट है कोई जेड, तो इस पॉइंट के जो नेबरहुड होते हैं यानी पास वाले बिंदु, उसे हम क्या बोलेंगे, वहां पे मुझे क्या फाइंड होगा, रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन एकदम इजी मिलेगा, लेकिन आपको लैंग्वेज के अंदर फंसा देगा। रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा आपको अगर ऐसा पूछ लेगा तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि जेड के जस्ट पास वाला पॉइंट यानी ये वाला, ये मुझे क्या दे रहा है, रिलेटिव मैक्सिमा। जेड पॉइंट से रिलेटिव मुझे यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा आगे, और अगर मैं पीछे की साइड जाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिलेटिव मिनिमा। और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो अगर यहाँ पे मेरा जेड हो और ये मुझे जेड की वैल्यू, अब ये ग्राफ मुझे जेड की वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं अगर जेड से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ यानी इस वाले जेड के ना एक छोटी वैल्यू जो जीरो के लगभग पास में, यानी यहाँ पे एच टेंड्स टू क्या होगा मेरा जीरो, लेकिन एच क्या है मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन भी होनी चाहिए सामने। तो जब एकदम स्लाइटली मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यानी जेड से स्लाइटली मैं यहाँ पे थोड़ा आगे मूव होता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यूबिलिटी इस जेड से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूबिलिटी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, जेड प्लस एच पे क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमम, कौन सा, रिलेटिव। और भाई अगर मैं जेड से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, इस जेड से थोड़ा सा पीछे आया यहाँ पर, यहाँ पे पीछे आते ग्राफ मुझे इस जेड से थोड़ी छोटी वैल्यू देने लगेगा, यानी कि यहाँ की मुझे क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमम। ये चीजें आपको ग्राफ से समझ में आएगी, थ्योरी से आपको उतनी ज्यादा क्लियर नहीं होगी। तो रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की बात देखते हैं हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो इसको एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो किसी सी वैल्यू पर जो बिलोंग करेगा मेरा डोमेन से, कोई भी ऐसी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करती हो और फंक्शन की सारी जगह पे वैल्यू उस एफ सी से कम हो या बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एक बार फिर समझाता हूं, सी कोई ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करता है, और एफ एक्स डोमेन की वो सारी दूसरी वैल्यू है जो एफ सी से या तो छोटी है या उसके बराबर है, तो उस पॉइंट में मुझे क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली क्या है, सी कोई ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन के डोमेन डी से बिलोंग करता है और एफ एक्स की सारी वैल्यू अगर उससे बड़ी मिल रही है या बराबर मिल रही है एफ सी से, तो ये क्या मुझे मिल जाएगा सी पे, एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके,
तो अभी हमने देखी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अब देखते हैं स्टैंडर्ड मेथड के हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, स्टेप नंबर वन, फाइंड पहला मुझे क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। स्टेप टू मेरा क्या हो जाएगा, मुझे वो सारे पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स मुझे जीरो मिल रहा है। यानी ऐसे मुझे इसके क्या निकालने, डी वाई बाई डी एक्स का जो मुझे फंक्शन मिले उसको मुझे क्या निकालना, जीरो। लेट सपोज वो मुझे मिल रहे हैं एक्स बराबर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये मुझे क्या मिल रहे हैं सारे डी वाई बाई डी एक्स के जीरो। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में मुझे क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और फिर क्या करना है, स्टेप फोर के अंदर हमें चेक करना है। हमें चेक करना है कि हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स इसके अंदर हमें ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको पुट करके चेक करना है कि अगर मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिनिमा की वैल्यू। और अगर ये वैल्यू पुट करने पे मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो मिल रहा है तो कौन सा मिलेगा मुझे, मैक्सिमा का पॉइंट। अब जिस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के लिए मुझे ये मैक्सिमा और मिनिमा ये मुझे क्या दे रहे हैं कि जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को इसके अंदर पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो वो पॉइंट मुझे क्या देगा, मिनिमा की वैल्यू। लेट सपोज एक्स टू के लिए मुझे ये वाली कंडीशन मिल रही है, एक्स टू पे ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाइड। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है उसी को ही मिनिमा एज्यूम कर लेते हैं, तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें क्या, एक्स टू हमने निकाली है, एक्स टू को हमने पुट किया इसके अंदर, हमें वो ग्रेटर देन जीरो मिल रही है तो हमें मिनिमा वाली कंडीशन देगी। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरा मेन फंक्शन है वाई बराबर यानी एफ एक्स जो बराबर है मेरा, उसके अंदर मुझे क्या पुट करना है, एफ एक्स टू, ये जो चीज मुझे देगी ये होगी मेरी मिनिमम। इस चीज में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। और यहां तक समझ में आया, नहीं तो एक बार और समझा देता हूं मैं। मुझे क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। डबल डिफरेंशिएशन निकालने पर मुझे जिस पॉइंट पर मुझे मेरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिल रहा था, जीरो, वो वैल्यू सारी यहाँ पे पुट करनी है। अगर मैं मानता हूँ कि एक्स थ्री रखने पे मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पॉइंट एक्स थ्री मेरा कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमा वाला। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन